आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। दस करोड़ किसानों को पीएम मोदी ने दिया नए साल का तोहफा, जारी की पीएम किसान की किस्त। देश में तेजी से बढ़ेंगे ओमिक्रॉन केस, फिर से भर जाएंगे अस्पताल, डब्ल्यूएचओ के चीफ साइंटिस्ट ने दी वार्निंग। एसआईए ने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को खुले बाजार में बेचने की मांगी अनुमति। सक्रिय हो रहा पश्चिमी विक्षोभ, 4 से 7 जनवरी के बीच पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और मैदानों में बारिश का अलर्ट। वैष्णो देवी मंदिर भवन में मची भगदड़ में 12 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने कहा अत्यंत दुखी हूं, अनुग्रह राशि का भी किया ऐलान। कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, महाराष्ट्र और दिल्ली में आए रिकॉर्ड नए मामले, ओमिक्रॉन की कुल संख्या हुई 1300 के पार। सीबीआई की 1626 करोड़ के बैंक घोटाला केस में बड़ी कार्रवाई, 12 जगहों पर छापेमारी, आरोपी के घर से नकद 1.58 करोड़ जब्त। ओडिशा की सरकार ने दिया तोहफा, लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी। वीके त्रिपाठी बनाए गए रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ। विदेश से नियंत्रित मोबाइल कंपनियों पर छापेमारी, 6500 करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित आय का पता चला। मुंबई में फिर आतंकी हमले की साजिश रच रही आईएसआई, खालिस्तान आतंकियों के इस्तेमाल की बात आई सामने। तेजस्वी ने कहा हमारी सरकार आई तो सस्ती होगी बिजली, पेट्रोल डीजल की कीमत सरकार चाहे तो अपना टैक्स कम कर सकती है। चार साल पहले बनाई गई योजना भोगी सरकार, पेपरलेस होगी दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही। गेंद की फटकार के बाद सीएम चन्नी ने नहीं किए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास, मोदी 5 जनवरी को फिरोजपुर में बनने वाले पीजीओ के सैटेलाइट सेंटर का करेंगे शिलान्यास। बंगाल सरकार ने अदालत में माना राज्यपाल ने अब तक नहीं किए हैं हावड़ा संबंधी बिल पर हस्ताक्षर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी नए साल की बधाई, बोले कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें के साथ आयोजन। समाजवादी इत्र बनाने वाले सपा एमएलसी पुष्पराज जैन समेत यहां आयकर छापा, देश भर में 35 स्थानों पर कार्रवाई। यूपी में 8 वरिष्ठ आईपीएस अफसरों के तबादले, एसएन सावत पावर कॉरपोरेशन और अविनाश चंद फायर सर्विस के डीजी बने। ओमिक्रॉन के मिसिंग केस को लेकर प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल चिंतित, बोले हर 33 में 32 केस हो रहे मिस।
बरेली में बोले शाह, डंके की चोट पर हम मंदिर वहीं बना रहे हैं, अखिलेश बाबू रोक सको तो रोक लो। अलीगढ़ में नए साल के जश्न में डूबा शहर, नए साल का जोरदार स्वागत। अलीगढ़ में बजरंग दल ने किया विरोध प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। महोबा पहुंचे कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी, सपा सुप्रीमो के खिलाफ दिया विवादित बयान। मैनपुरी में कठेरिया समाज सम्मेलन का हुआ आयोजन, सम्मेलन में कठेरिया समाज अध्यक्ष ने की शिरकत। सहारनपुर में पुलिस और आबकारी टीम को मिली बड़ी सफलता, तीन शराब तस्कर हुए गिरफ्तार। कन्नौज इत्र कारोबारी पर कसा आईटी का शिकंजा, लगातार 24 घंटे से छापेमारी जारी। मऊ में दबंगों के हौसले हुए बुलंद, स्कूली जमीन पर किया कब्जा। फरुखाबाद में अधेड़ का शव मिलने से मचा हड़कंप, झोपड़ी में आग लगने से हुई अधेड़ की मौत, झोपड़ी में आग ताप रहा था मृतक। फतेहपुर में एक दुकान में लगी आग, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी आग, आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। न्यू ईयर को लेकर हजरतगंज पुलिस ने देर रात की पेट्रोलिंग, डीसीबी सेंट्रल ने पुलिस फोर्स के साथ बाजारों में पैदल किया मार्च। कोरोना मरीज मिलने से मचा हड़कंप, एम्स की महिला डॉक्टर निकली कोरोना पॉजिटिव, एम्स के दंत रोग विभाग में तैनात है महिला डॉक्टर। यूपी में अब पशुपालकों के एक फोन पर घर पहुंचेगा अस्पताल, मुख्यमंत्री योगी जल्द करेंगे शुरुआत। सांसद आजम खां के जिले में होगा भाजपा की जन विश्वास यात्रा का समापन, पांचवी बार आ रहे हैं सीएम। सांसद संतोष गंगवार के घर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, बरेली मंडल की विधानसभा सीटों के माहौल को समझा। मेरठ में कल दोपहर 1 बजे मंच पर पहुंचेंगे पीएम मोदी, करेंगे खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास। वैष्णो देवी मंदिर हादसे में मृत 12 में यूपी के 4 लोग, सीएम के साथ अखिलेश व प्रियंका ने जताया दुख। रायबरेली में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, सपा सरकार में चाचा और भतीजे की गैंग करती थी वसूली। गोरखपुर की सूरत बदल देगी जीडीए की महायोजना 2031, नियमित होगी 25 कॉलोनी, पर्यटन का हब बनेगी गोरक्ष नगरी। बिजनौर में नहर पट्टी मार्ग पर मिला गुलदार का शव, वनकर्मियों के कब्जे में लिया। नववर्ष पर काशी विश्वनाथ धाम में गूंजी 1001 शंखों की ध्वनि, बना विश्व रिकॉर्ड।
उत्तर प्रदेश की नौकायन टीम घोषित, महिला व पुरुष वर्ग में कई खिलाड़ियों का हुआ चयन। नेपाल सीमा पर पहुंचे प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी, समझी बॉर्डर की सुरक्षा व्यवस्था, नेपाली अधिकारियों से भी मिले। दो लाख आबादी को आवासीय सुविधा की सौगात देगा एलडीए। लखनऊ में गाय के गोबर से बनेगी अगरबत्ती, नगर निगम ने प्रस्ताव को दी हरी झंडी। नए साल पर लखनऊ को मुफ्त वाईफाई और हेल्थ एटीएम का तोहफा, होंगी कई खास सुविधाएं। प्रभारी प्रहलाद जोशी बोले, डबल इंजन सरकार कर रही है विकास, राहुल गांधी को लेकर भी कसा तंज। तीन जनवरी को उत्तराखंड में हुंकार भरेंगे केजरीवाल, नव परिवर्तन यात्रा की होगी शुरुआत। मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ लैंसडाउन, विधायक ने खोला मोर्चा, विधानसभा के बाहर आमरण अनशन करने की दी चेतावनी। जश्न में डूबी क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी, रात 11 बजे तक बाजार गुलजार, धूमधाम से हुआ नए साल का स्वागत। मुनाफा कमाने का झांसा देकर 68 लाख की ठगी करने वाला बैंक अधिकारी दिल्ली से गिरफ्तार। सवरेगा बद्रीनाथ धाम, आचार संहिता से पहले शुरू होंगे पुनर्निर्माण कार्य, धामी मंत्रिमंडल ने दिखाई हरी झंडी। हल्द्वानी जेल के बंदियों को जेल में ही मिलेगा दांतों का इलाज, डेंटल केयर सेंटर तैयार। बेहतर इलाज के लिए डीआरडीओ ने कोविड अस्पताल की अवधि बढ़ाने की तैयारी, अजय भट्ट ने दिए निर्देश। नैनीताल में निकाय कर्मियों को मिलेगा पुनरीक्षित आवासीय भत्ता, शासन आदेश किया गया जारी। उत्तराखंड के मंत्री ने सीएम को भेजी मृत्युंजय मिश्रा की पत्रावली, उच्च शिक्षा में जल्द होगी वापसी। उत्तराखंड में पुलिस ग्रेड पे और पीआरडी मानदेय पर सीमा धामी लेंगे फैसला, लंबे समय से चल रही है मांग। चमोली में पर्यटक स्थलों में लगा पर्यटकों का तांता, पर्यटकों से गुलजार हुआ पर्यटन स्थल। चमोली दो विशेषज्ञ डॉक्टरों के हुए तबादले, इलाज के लिए तरसी जनता। झबरेड़ा में सम्मान समारोह का आयोजन, क्षेत्रीय विधायक रहे मौजूद। हरिद्वार में संवाद कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का किया दौरा। कोरोना से जद्दोजहद के बीच नई बीमारी फ्लोरोना ने दी दस्तक, इजराइल में मिला पहला केस।
वैक्सीन की चौथी बूस्टर शॉट देने वाला पहला देश बना इजराइल। भारतीय मूल के तीन कनाडाई को मिला ऑर्डर ऑफ कनाडा का सम्मान। अफगानिस्तान में दाने दाने को मोहताज हुए लोग पैसों की खातिर बच्चों को बेचने पर मजबूर। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आतिशबाजी से हुआ नए साल का स्वागत। बाइडन ने दी प्रतिबंध की चेतावनी, पुतिन बोले रिश्ते खत्म हो जाएंगे। चीन का बड़ा झटका, यूएस एवं उसके सहयोगी देशों ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों का किया बहिष्कार। यूनिसेफ ने युद्धग्रस्त देशों में बच्चों की स्थिति पर जताई चिंता, कहा संघर्ष में बच्चों के प्रति गंभीर उल्लंघन के मामले बढ़े। मैग्डालेना एंडरसन होंगी स्वीडन की पहली महिला पीएम, महज एक वोट के अंतर ही जीती हासिल की। अंतरिक्ष में पृथ्वी पर नया खतरा, करीब से गुजरेगा बिग बेन के आकार का एस्टेरॉयड। एटीएम से पैसा निकालने पर आज से लगेगा ज्यादा चार्ज, बैंक लॉकर और पीएफ से जुड़े नियम भी बदले। नवंबर में 3.1% रही आज कोर इंडस्ट्री की ग्रोथ, फरवरी के बाद सबसे कम वृद्धि दर। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा सालाना बजट लक्ष्य का 46.2% रहा, सीजीए ने जारी किए आंकड़े। ईरान के साथ विकसित देशों की परमाणु वार्ता पर भारत की नजर, कच्चा तेल खरीदने के लिए कंपनियों ने बढ़ाया संकट। एप्पल को झटका, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने जांच का दिया आदेश। एसबीआई के 29 ब्रांच में मिलने लगेंगे चुनावी बॉन्ड, मोदी सरकार ने दी मंजूरी। ज्यादा पावरफुल होगी महिंद्रा एक्सयूवी 300 फेसलिफ्ट, ईएसयूवी 2023 में होगी लॉन्च। नए साल पर खुशखबरी, एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 102 रुपए की कटौती। चीनी कंपनियों पर आयकर विभाग का छापा, शाओमी ओप्पो किया टैक्स कानून का उल्लंघन, लग सकता है 1,000 करोड़ रुपए का जुर्माना। गौतम अडानी की संपत्ति 3.15 लाख करोड़ रुपए बढ़ी, अंबानी ने कमाया 98,000 करोड़ रुपए। देवान कानवे का नए साल पर धमाकेदार आगाज, 2022 का पहला शतक ठोका। टीम इंडिया में जगह बनानी है तो घरेलू टूर्नामेंट में नहीं, आईपीएल में करना होगा प्रदर्शन, सेलेक्टर्स ने दिया संदेश।
विराट कोहली को वानखेड़े टेस्ट से पहले राहुल द्रविड़ ने कराई प्रैक्टिस, वीडियो हुआ वायरल। विराट कोहली और राहुल द्रविड़ ने सेंचुरियन के ऐतिहासिक जीत के बाद किया डांस। बाबर आजम ने अंतरराष्ट्रीय करियर में पहली बार की गेंदबाजी, अपने करियर के दूसरे ही ओवर में कर दिया कमाल। रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच मीटिंग में होने वाली बातों पर मुख्य चयनकर्ता ने किया खुलासा। विराट कोहली के फैसले से सारे अधिकारी चयनकर्ता दंग थे, उनको क्रिकेट का वास्ता देकर रोका गया, पर नहीं माने चेतन शर्मा। पूर्व कोच शास्त्री का बयान, पाकिस्तान के खिलाफ T20 विश्व कप में डरपोक की तरह से खेली है भारतीय टीम। सेंचुरियन टेस्ट में जीत के बाद टीम इंडिया को लगा झटका, आईसीसी ने लगाया जुर्माना। साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज में केएल राहुल होंगे कप्तान, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को बनाया गया उपकप्तान। सोनू सूद कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच फैन से बोले, जरूरत पड़े तो याद रखना नंबर अभी वही है। कार्तिक आर्यन की सादगी पर आया फैंस का दिल, रिक्शा की सवारी करते देखे हुए खुश। हॉलीवुड के दिग्गज एक्ट्रेस बेटी व्हाइट का निधन, 99 साल की उम्र, दुनिया को कहा अलविदा। रवि शास्त्री ने रणवीर सिंह के साथ जबरदस्त डांस का वीडियो किया शेयर, बताया साल 2022 में कैसे आना पसंद है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बॉलीवुड पार्टियां लगती हैं फेक, बोले आम लोगों के साथ रहना है पसंद। अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली के साथ मनाया साल 2022 का जश्न, साल 2021 का किया धन्यवाद। वाइफ कैटरीना संग न्यू ईयर मनाने मुंबई पहुंची विक्की कौशल, यूजर बोले फुल हस्बैंड मटेरियल। इंडियन आइडल फेम आशीष कुलकर्णी का गाना चेहरा रिलीज होते हुए वायरल। रणवीर सिंह के 83 के बाद मिले 5 बायोपिक के ऑफर, इनमें से एक फिल्म का होगा जल्द ऐलान। सुनील ग्रोवर रिक्शे वाले के साथ आके सेकते आए नजर, पटना में उठाया ठंड का लुत्फ। प्राइम 100 में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।